हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू एग्जाम इन साइट माई नेम इज़ नव्या तो आज हम फिफ्थ ऑफ अक्टूबर के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके हर एक एग्जाम को कवर करेगा आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ये करंट अफेयर्स आपके काम में जरूर आएंगे तो वीडियो को एंड तक थ्ररेली जरूर देखना साथ ही साथ अगर आप अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन को और ज्यादा पक्की करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो फटाफट से जाओ वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे हम डालते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं जिससे आपकी जीत की तैयारी और ज्यादा पक्की हो सकती है चलो अब अप अपने करंट अफेयर्स देख लेते हैं तो आज है फिफ्थ ऑफ अक्टूबर यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे नेशनल टीचर्स डे कब होता है नेशनल टीचर्स डे होता है फिफ्थ ऑफ सितंबर को नेशनल टीचर्स डे ठीक है और ऑफ़ अक्टूबर को क्या होता है वर्ल्ड टीचर्स डे ये दिन क्यों मनाया जाता है जो टीचर्स का हमारी सोसाइटी में योगदान है हमारे देश के भविष्य को आगे बढ़ाने में पूरे वर्ल्ड में तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है ये स्टार्ट कब हुआ था इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, था? नाइनटीन नाएंटी में किसने किया था आई और यूनेस्को ने यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने ठीक है चलो अब आने वाले और इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स देख लेते हैं एट्थ अक्टूबर को होता है इंडियन एयरफोर्स डे नाइन्थ अक्टूबर को होता है वर्ल्ड पोस्ट डे टेंथ अक्टूबर को होता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इलेवेंथ अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ट्वेल्थ अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे थर्टींथ अक्टूबर को होता है यू इंटरनेशनल डे फॉर नेशनल डिजास्टर रिडक्शन सिक्सटीन अक्टूबर को होता है वर्ल्ड फूड डे ट्वेंटी अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे एंड वर्ल्ड पोलियो डे और थर्टी अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय एकता दिवस दैट इज इन इंडिया ओनली ठीक है आपको बता दूं ये जो डेज़ है ना ये मैं रोज़ अपने सुबह ग्यारह बजे वाले वीडियो में जरूर रिपीट करती हूँ तो अगर आप रोज इस वीडियो को देखते हो तो आपको याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी आपको चीज़ें देखते देखते खुद ब खुद याद हो जाएंगी जब आप रोज इसको रिपीट करोगे तो साथ ही साथ में दो से आठ अक्टूबर तो आठ अक्टूबर तक क्या चल रहा है नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक ट्वेंटी इस बार की इसकी थीम क्या है इसकी थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आपको बता दूं इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है एक तरीके से लोगों को मैसेज देना कि जिस तरह से हमारी लाइफ इम्पॉर्टेंट है उसी तरह से वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनका भी होना हमारे इको के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मानव गतिविधियों की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी जंगल्स को फॉरेस्ट ओशन्स रिवर्स सीज लेक्स हर जगह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी और जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा दिक्कत में आ रहे थे तो इसके लिए ये दिवस को मनाना शुरू किया गया ठीक है ये जो वीक है ये मनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे जागरूकता फैलती है कि वाइल्ड लाइफ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है थर्ड ऑफ मार्च को ठीक है ये पूरे देश में मनाया जाता है इसके फाउंडर यानी कि इसकी स्थापना किसने की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने आपको बता दूं सबसे पहला नेशनल पार्क जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पहला इंडिया में कौन सा बना था जिम कोरबे नेशनल पार्क पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी और अगर आप सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए इंडिया में तो वो है रंथेम्बोर नेशनल पार्क दैट इज इन राजस्थान ठीक है अगर सबसे छोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करी जाए इंडिया में तो वो है मयूरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज इन पुणे महाराष्ट्र ठीक है अब आने वाले और इम्पॉर्टेंट जो डेज एंड डेट्स हैं एज यूजल मैं रिपीट करूंगी इसको फिर से ताकि आपको चीज़ें माइंड में अच्छे से सेट हो जाए ठीक है एट्थ अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे नाइन्थ अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे टेंथ अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इलेवेंथ अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ट्वेल्थ अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे थर्टीन अक्टूबर को यूएन इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन सिक्सटीन अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे 24th अक्टूबर को होता है यूनाइटेड नेशंस डे एंड वर्ल्ड पोलियो डे और 31st अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय एकता दिवस ये दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए रोज़ यहाँ पे रिपीट किए जाते हैं क्योंकि इस क्लास में आपको वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड हो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो ठीक है चल शेष भारत ने 2023 का ईरानी कप जीता 175 सेवेंटी रन से किसको हरा के सौराष्ट्र को हरा के आपको बता दूं कि ये जो मैच है ये सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि राजकोट गुजरात में है वहां पे हुआ कब से कब तक एक अक्टूबर से तीन अक्टूबर के बीच में यहाँ पे मैन ऑफ द मैच इस बार के ईरानी कप में कौन बने सौरभ कुमार जीता कौन शेष भारत किसको डिफीट करके सौराष्ट्र को डिफीट करके ठीक है अब क्रिकेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो इसके बारे में और भी चीजें देख लेते हैं आईसीसी के हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं दुबई यूएई में देखो ये जो वन वर्ड के फैक्ट्स होते हैं ना ये आपके वन डे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो इनको अच्छे से थरेली देखा करो और मेरे ये सुबह ग्यारह बजे वाले वीडियो में ये रिपीट भी होते हैं तो अगर आप रोज देखते हो आपको चीजें खुद ब खुद याद हो जाएंगी ये सारे फैक्ट्स आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे ठीक है आईसीसी के चेयरमैन कौन है ग्रेथ बाकले ठीक है बीसीसीआई इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं मुंबई में प्रेसिडेंट कौन है रॉजर बिनी ठीक है चलो आगे चलते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं कोलंबो श्रीलंका और प्रेसिडेंट कौन है जे शाह चलो आगे चलते हैं अब आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें तो ये शुरू कब हुआ था देखो ये जो वन वन वर्ड्स के ये है ना इंफॉर्मेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखो ठीक है शुरू कब हुआ था 1975 में पहले होस्ट कंट्री कौन सी थी जिन्होंने इसमें इसको होस्ट किया था सबसे पहले इंग्लैंड थी ठीक है पहला विनर कौन रहा था वेस्ट इंडीज और किसने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप आज तक जीता है सबसे ज्यादा बार तो नाम है ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने पांच बारी इसको जीता है उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन कौन से आते हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज ने इसको जीता है कितनी बार दो दो बार ठीक है और साथ ही साथ में इंग्लैंड श्रीलंका और पाकिस्तान ने इसको कितनी बार जीता है एक एक बार जीता है यानी कि पांच बारी ऑस्ट्रेलिया दो बारी इंडिया और वेस्ट इंडीज और एक बारी पाकिस्तान श्रीलंका और इंग्लैंड अगर इस बार के वर्ल्ड कप की बात की जाए तो देखो कब से कब तक चलेगा ये पांच अक्टूबर से 19 नवंबर तक होस्ट कौन करेगा होस्ट कौन करेगा इंडिया ठीक है आज ही से ये स्टार्ट हो रहा है ठीक है इसके पहले इंडिया ने कब इसको होस्ट किया था 2011 में इस बार ये इंडिया के लिए क्या है हिस्टोरिक है हिस्टोरिक किस लिए है हिस्टोरिक इसलिए है कि पहली चीज तो 12 साल के गैप के बाद में इंडिया अब इसको होस्ट करेगा प्लस फर्स्ट टाइम पहली बार इंडिया इसको अकेले होस्ट करेगा ठीक है इसके पहले इंडिया ने इसको को होस्ट किया है लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि इंडिया इसको होस्ट करेगा होली तो ये इंडिया के लिए हिस्टोरिक है ठीक है कितनी सिटीज में होगा दस सिटीज में होगा ये ठीक है इसकी ओपनिंग कहां पर होगी इसकी ओपनिंग कहां पर होगी अहमदाबाद में कहा पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ठीक है ओपनिंग किसके और किसके बीच में होगी ओपनिंग होगी न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में ठीक है किसके बीच में ओपनिंग होगी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में अब फाइनल किसके किसके बीच में होंगे सॉरी फाइनल कहां पे होगा फाइनल्स होगा सेम एज ओपनिंग ठीक है यानी कि जहां पे इसकी ओपनिंग हुई वहीं पे इसका फाइनल्स होगा यानी कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ठीक है ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रख लो ठीक है चलो अब आगे चलते हैं अनु ईरानी ने एशियन गेम्स में विमेन्स जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता अब आपको बता दूं ये विमेन्स जेवलिन थ्रो में पहला गोल्ड है इंडिया के लिए ठीक है ये टेंथ डे ऑफ नाइन नाइनटीन एशियन गेम्स में अनु रानी ने पहला गोल्ड मेडल जीता इन इंडिया फॉर विमेन्स जैवलिन थ्रो ठीक है अब एशियन uh, गेम्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं ठीक है एशियन गेम्स कब से कब तक चला ट्वेंटी थर्ड से कब तक चलेगा एथ ऑफ अक्टूबर तक ये चलेगा इस बार की इसकी होस्ट कंट्री कौन सी है करंट होस्ट है इसके हैंजो चाइना ठीक है नेक्स्ट होस्ट कौन होंगे इसके जो कि 2026 में होगा ये मैच नेक्स्ट सॉरी ये जो एशियन गेम्स है ये नेक्स्ट 2026 में होंगे इसके होस्ट कौन होंगे नागोया जापान ठीक है नागोया जापान में ये होंगे और ये कब कब होते हैं एवरी फोर ईयर्स ठीक है हर चार साल में एशियन गेम्स होते हैं और ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं चलो आगे चलते हैं अन्नू रानी ने ये कितने कितने डिस्टेंस के थ्रो पे इसको डाला था जैवलिन को सिक्सटी टू पॉइंट नाइन्टी टू मीटर्स और ये इनका एशियन गेम्स में सेकेंड मेडल है लेकिन फर्स्ट ये गोल्ड मेडल है फॉर इंडिया इन विमेन्स जेवलिन थ्रो ठीक है इतना क्लियर है चलो आगे चलते हैं एशियन गेम्स के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं एशियन गेम्स पहली बार कब हुआ था 1951 में हुआ था किसने इसको होस्ट किया था होस्ट कंट्री थी इंडिया हुआ था ये न्यू डेली में ठीक है 2022 एशियन गेम्स कहाँ पे हुए हैंगजो चाइना ही मैंने आपको ऑलरेडी बताया नेक्स्ट नागोया जापान में होंगे और एशियन गेम्स में इंडिया की तरफ से पहला मेडल किसने जीता था इन मेन अगर मेन कैटेगरी में देखो तो स्विमर सचिन नाग ने जीता था इंडिया का पहला गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में न्यू दिल्ली में 1951 में अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में सबसे पहला मेडल लाई थी रोशन मिस्त्री किसमें स्विमिंग में ही ठीक है इन्होंने पहला इंडियन uh, विमेन थी जिसने जीता था एशियन गेम्स में मेडल ठीक है चलो अब आगे चलते हैं इन्होंने हंड्रेड मीटर्स में हंड्रेड मीटर्स की रेस में इस इवेंट को जीता था ठीक है चलो आगे चलते हैं हम्म एडमिरल तरुण सोपती ने डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला ठीक है वाइस एडमिरल तरुण सोपती ने एक अक्टूबर 2023 से नेवल स्टाफ के डिप्टी चीफ के रूप में अपना कार्यभार जो है संभाला है इन्होंने रिप्लेस किसको किया है इनके पहले वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू इसमें काम करते थे जिनका रिटायरमेंट हुआ 30 सितंबर 2023 को इन्होंने यहाँ पे काम किया है 38 साल तक इसके बाद इनके रिटायरमेंट के बाद में किसने अब कार्यभार संभाला है वाइस एडमिरल तरुण सोपती ने ठीक है ये क्लियर है चलो आगे चलते हैं की बात करते हैं ठीक है सेकेंड अक्टूबर को ये सबसे पहले दिया गया किसमें कौन सी कैटेगरी में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में थर्ड किसको, अक्टूबर किसको को दिया गया किसको किसको पियर एगोस्टिनी फेरेंस क्रॉस और एन एल यूलियर को ठीक है उसके बाद में ये दिया गया चार अक्टूबर को केमिस्ट्री कैटेगरी में मोंगी जी वन बवेंडी लुइस e. और एलेक्सी एकिमोव e. इनको ये दिया गया केमिस्ट्री के उसमें ठीक है अब ये फिफ्थ अक्टूबर को किस कैटेगरी में दिया जाएगा लिटरेचर की कैटेगरी में इसको दिया जाएगा अब ये जो नोबेल प्राइस होता है इसमें दिया क्या जाता है इसमें दिया जाता है एक गोल्ड प्लेटेड मेडल दिया जाता है एक डिप्लोमा और आपका ग्यारह मिलियन सेक सेक क्या है स्वीडन की करेंसी है ये एज अ प्राइज यहाँ पे दिया जाता है कौन सी कंट्री इसको देती है इसको देती है स्वीडन स्वीडन इसको देती है देती है सारी कैटेगरी में लेकिन बस वो शांति पुरस्कार नहीं देती शांति पुरस्कार कौन देता है शांति पुरस्कार देता है नॉर्वे क्या देते हैं मेडल डिप्लोमा और इलेवन मिलियन सेक पहली बार नोबेल प्राइज़ कब दिए गए थे आज से एक साल पहले नाइनटीन में इसको दिया गया था ठीक है चलो जी आगे चलते हैं इंडिया मैरीलैंड यूएसए में बी आर अम्बेडकर जी का जो स्टैचू है लार्जेस्ट स्टैच्यू उसका अनावरण करेगा कब करेगा 14 अक्टूबर को करेगा आउटसाइड इंडिया यानी कि मैरीलैंड यूएसए में ये कितने फीट का होगा ये होगा 19 फीट का स्टैच्यू इसको बनाया किसने इसको जाने माने आर्टिस्ट और स्कल्प्टर राम सुतर ने बनाया जिन्होंने अहमदाबाद गुजरात का सरदार पटेल जी का भी स्टैचू बनाया है इस स्टैच्यू को ये 19 फीट स्टैच्यू को किसके नाम से भी जाना जाता है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है ठीक है चलो जी आगे चलते हैं अब वर्ल्ड कप आने को है तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से प्लेयर्स इस बार खेलेंगे रोहित शर्मा जो कि करंट कैप्टन भी हैं और ये बैट्समैन हैं ये इसमें खेलेंगे हार्दिक पांड्या ये ऑलराउंडर है प्लस वाइस कैप्टन है ये भी इसमें खेलेंगे उसके बाद आते हैं शुभमन गिल विराट कोहली श्रेयस अय्यर के राहुल रविंद्र जडेजा शर्दुल ठाकुर जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज कुलदीप यादव मोहम्मद शमी अक्सर पटेल ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ये सब इस बार आई वर्ल्ड कप ट्वेंटी में मेन्स में ये खेलेंगे ठीक है चलो जी आगे चलते हैं इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सितंबर में कुछ उसका रेट गिरा है अगस्त से ठीक है कितना गिरा है चलो देख लेते हैं इंडिया का जो बेरोजगारी है ठीक है उसका दर गिरा है रूरल एरियाज में भी गिरा है यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी ये गिरा है जबकि वहां पे वीक मॉनसून रेन्स रही वहां पे बारिश जरा ठीक से नहीं हुई उसके बाद भी वहां पे अनएम्प्लॉय जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हुआ है अगर आप ओवरऑल देखो हर जगह रूरल अर्बन एरियाज दोनों जगह देखो तो लास्ट टाइम था ये 8.10 परसेंट यानी कि अगस्त में और सितंबर में ये आ गया है 7.09 परसेंट पे अगर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पे 7.11 परसेंट था अगस्त में और 6.20 परसेंट आ गया है ये सितंबर में अगर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो वो भी घटा है 10.09% परसेंट था ये अगस्त में और सितंबर में ये आ, ये आ गया है 8.94% परसेंट के ऊपर आई एम सॉरी अगर आपको शोर आ रहा हो बाहर कुछ ठक ठक की आवाज हो रही है आई डोंट नो क्या उसकी वजह से मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ ठीक है चलो जी आगे चलते हैं प्लीज अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो उसके लिए एम सॉरी हाँ चलो जी चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट ने बनाया है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने 1.25 लाख सैनिटरी फाइव जो हैं वो 24 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं यानी कि बांटे हैं जिसके लिए इनको गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया गया ठीक है ऋषि नाथ जो कि ऑफिशियल एग्जुटिकेटर हैं गिस वर्ल्ड रिकॉर्ड के उन्होंने ये सम्मान दिया है ये सर्टिफिकेट दिया है चांसलर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड सी फाउंडर सतनाम सिंह संधू जिन्होंने 1.25 लाख पैकेट्स बांटे हैं ऑफ सैनिटरी नैपकिंस इन 24 आवर्स ठीक है आई होप ये आपको क्लियर होगा एंड ये थे आज के हमारे टॉप करंट अफेयर्स चलो अब कुछ क्विक एंड शॉर्ट करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है आपके एग्जाम में वो भी काम आएंगे साथ ही साथ में आपको वीडियो के लास्ट में एक होमवर्क भी दूंगी जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूं और उसका आंसर आपको यहां पे देना होगा इन कॉमन सेक्शन ठीक है चलो जी आगे चलते हैं वर्ल्ड नेचर डे कब मनाया जाता है आंसर है इसका थर्ड ऑफ अक्टूबर इस बार ये मनाया गया ठीक है जी चलो बी आर ओ के नए चीफ किसको अपॉइंट किया गया कौन बन गए हैं रघु श्री निवासन कौन सी कंट्री ने रिसेंटली इनोग्रेट किया साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे वूश हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वूश का उद्घाटन किया है तो चलो इसका आंसर है इंडो नेशिया ठीक है चलो आगे चलते हैं हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% परसेंट ओ प्लस का दर्जा हासिल किया है विच यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली अचीव 100% परसेंट ओ प्लस स्टेटस ठीक है तो आंसर है जम्मू एंड कश्मीर हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट एशियन पर्सन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ तो इसका आंसर है ठीक हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी विद स्टेट गवर्नमेंट विल रिसेंटली स्टार्ट अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर तो आंसर है इसका केरला ठीक है जी ये क्लियर है आपको चलो अब आपका होमवर्क देख लेते हैं जो आपको सॉल्व करना है कमेंट सेक्शन में नोबल प्राइज जो मेडिसिन के लिए 2023 में किसने रिसीव किया ये अभी मैंने आपको बताया था तो आपको ये पता होना चाहिए ठीक है हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहा किया गया ये भी मैंने कहा किया जाएगा ये भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कुछ स्लाइड्स पहले ही पढ़ाया था तो ये है आपका होमवर्क जो कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जिसका भी आंसर करेक्ट होगा मैं उसको एक लाइक like दे दूंगी और अगर आप रोज कमेंट करते हो और होमवर्क का आंसर देते हो तो आपको पता होगा कि मैं ऐसे ही नहीं बोलती मैं एक्चुअली मैं लाइक like करती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ तो आप प्लीज कमेंट्स जरूर करिएगा वीडियो पसंद आया हो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को लाइक कर दो वीडियो को और रोज सुबह ग्यारह बजे ट्यून इन करना बिल्कुल भी मत भूलना ओनली इन एग्जाम इन साइड फॉर दिस टॉप करंट अफेयर्स ठीक है नाउ दिस इज मीन अवेर साइनिंग ऑफ मिलती हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में वॉच वॉट बाय बाय टेक केयर